है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल नहीं जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए दोस्तों बिना वीडियो को शुरू करते हैं चलिए दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल सेट का देख सकते हैं इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड यानी जब हम लोग नोट मेकिंग बनाते हैं तो हमें किस चीज का अवॉइड करना चाहिए नजरअंदाज करना चाहिए यानी बचना चाहिए तो आप सही पता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग सेंटेंसेस ठीक है जब भी हम लोग पैसेज राइटिंग सीखेंगे दोस्तों उसमें दो चीज सीखेंगे एक समरी राइटिंग और एक नोट मेकिंग समरी राइटिंग में हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे लेकिन नोट मेकिंग में कभी भी हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे खाली कीवर्ड्स का का इस्तेमाल करेंगे, टाइटल का इस्तेमाल करेंगे, करेंगे टाइटल और किसे ठीक है याद रखिएगा जब भी हम लोग नोट मेकिंग करेंगे तो हम लोग सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे लॉन्ग सेंटेंस का तो बिल्कुल नहीं चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टू देख सकते दोस्तों टू में क्या पूछा गया इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटर्न इन डैश जब हम लोग नोट मेकिंग बनाते हैं दोस्तों तो नोट मेकिंग में नोट्स किस चीज में लिखा हुआ नहीं चाहिए यानी किस चीज में लिखा हुआ नहीं जाता है तो आप सही पता है हम लोग फ्रेजेस में लिख सकते हैं एडियम में लिख सकते हैं सेंटेंस में हम लोग नहीं लिख सकते हैं तो याद रखेगा पॉइंट्स में तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं तो याद रखेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंटेंसेस ठीक है इन नोटमेकिंग नोट आर नॉट रिटर्न इन सेंटेंसेस यानी नोटमेकिंग टाइम नोट जो बनाते हैं वह सेंटेंस में लिखा होना नहीं चाहिए नेक्स्ट so क्वेश्चन के बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज

स्लैप्ड वेन पीपल आर इन स्लैप्ड वी डू दे है जेल में डाल दिया जाता है तो एम एमएल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए जेल के अंदर में तो लोगों के पास चाभी के रूप में क्या होना चाहिए दोस्तों उनकी भाषा दैंग्वेज ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है यह हो जाएगा करेक्ट आप लोग गुलाम हो जाइए कोई मतलब नहीं है लेकिन गुलाम होकर किसी दूसरा देश का लैंग्वेज को आप लोग एडोप्ट कर लीजिएगा अपना देश का लैंग्वेज को भूल जाइएगा तो गुलाम तो बन ना दोस्त तो याद रखिएगा गुलाम होने पर भी अपने अंदर में चाबी के रूप में बचा के रखना चाहिए अपनी मातृभाषा अपने देश का लैंग्वेज यानी दियर लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर ठीक है जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है वो फ्रांच से किस बारे में सवाल पूछने वाले हैं तो आप सही बताए दोस्तों पार्टिसिपल्स के बारे में ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है ठीक है चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा एमएमएल कितने सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे कमेंट बताइएगा और ये जो एमएमएल है ठीक है ये किस लैंग्वेज के टीचर है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या पूछा गया इज योर स्कूल रेडी आस्क दिस क्वेश्चन क्या आपका स्कूल तैयार है यह प्रश्न किसने पूछा तो आप सही पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साहेब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर और किनसे पूछा था आप सही पता है एनिस जंग से ठीक है किससे पूछा था एनिस जंग से ठीक है इसको भी याद कर लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या पूछा गया हु इंसिस्ट ऑन बींग कौन अपना स्वामी अपना मालिक बनने पर जोर देता है तो आप सही पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकेश ठीक है मुकेश इज द करेक्ट आंसर ये मुकेश जो है इनका जो पूरा फैमिली है जो बैंगल मैकिंग बनाने में बिजी है लेकिन ये थोड़ा सा हटके सोचता है क्या करना चाहता है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा साहेब कहां रहता है और मुकेश कहां रहता है ठीक है और साहेब का जो शहर है वो क्यों फेमस है और मुकेश का जो शहर है वह क्यों फेमस है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर एट जो डीप वाटर है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया है कि वेयर इज याकीमा लोकेटेड याकिमा जो है एक रिवर का नाम है ठीक है और ये कहा है यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सही पता है ये कहा है दोस्तों इन वाशिंगटन जो यूनाइटेड स्टेट्स में है ठीक है चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वेर इज द लैक वेंटवर्थ ये जो लैक वेंटवर्थ है वो कहां है क्योंकि मैंने मॉडल सेट सेवन में वो अच्छे से समझा के करवा दिया है ठीक -फड़ है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो याकिमा है ये एक रिवर का नाम है जो कहा है इन वाशिंगटन चलिए आगे बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइन वाई एम सी ए स्टैंड फोर ये वाई एम सी ए स्टैंड फोर मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है वाई एम सी ए का पूरा नाम क्या है तो आप सही पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर चलिए ये जो वाई एम सी ए स्विमिंग पूल थी वो नाइन फीट की थी कितनी की थी नाइन फीट लेकिन जब विलियम डगलस इस स्विमिंग पूल में डूब रहे थे तब ये फीट उसको कितना फीट का लग रहा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वाई स्विमिंग पूल में डगलस को किसने फिका था ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और डीप वाटर के लेखक कौन है ये भी बताइएगा ये डीप वाटर किससे लिया गया है ये भी कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टेन ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्प ये जो लाइन है दोस्तों ये भी डीप वाटर का है और ये लाइन किसने कही है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु सेड मतलब किसने कहा है ठीक है कौन सा लाइन ऑल वी हैव टू फियर इज फियर सेल्फ ये जो लाइन है दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये लाइन कहा है ठीक है याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या पूछा गया क्वेश्चन इलेवन में द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वास डैश ये जो आयरन मास्टर है उनका डॉटर का नाम क्या है बहुत अच्छे तरह से मैंने समझाया था डॉटर का नाम है एडला विलमेंसन जो कंप्लीटली रूप से एक जन को चेंज कर देता है एक चोर को अच्छा इंसान बना देता है उस चोर का नाम आप लोग कमेंट बताइए जो क्या बेचा करता था सेलिंग रेड ट्रेप चूहे दानी बेचा करता था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा द ट्रैप के लेखक का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं गांधीजी एंड राजकुमार शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन इन कलकत्ता फॉर डैश ये जो गांधीजी है और राजकुमार शुक्ला कलकत्ता में एक ट्रेन पर चढ़े कहां के लिए तो आप सही बताया ये राजकुमार शुक्ला जो है एक जिद्दी इंसान थे एक जिद्दी बटाईदार शेयर क्रॉपर थे जो गांधी जी के पीछे पीछे घूम रहे थे गांधी जी को अपना एरिया लाना चाहते थे ठीक है लास्ट में सफल होते हैं और दोनों एक ट्रेन पर सवार होते हैं कहां के लिए दोस्तों पटना के लिए याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है राजकुमार शुक्ला कहां से थे चंपारण से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते नंबर थर्टीन वेन डिड एम आर ए विजिट मद्रास ये जो एम आर ए है वो विजिट किया था कहा मद्रास में ठीक है तो एमआरए ने मद्रास का दौरा कब किया था यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1952 आप लोग कोई बता सकते हैं एमआरए का फुल फॉर्म क्या होगा फटाफट -फड़ बताइए चले लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हाउ मेनी पीपल देयर इन एम ग्रुप यानी ग्रुप में कितने लोग थे यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया मैंने अच्छे से बताया था दोस्तों 200 लोग थे कितने लोग थे ऑप्शन जो डू डी है वो करेक्ट आंसर है 200 हंड्रेड पीपल फ्रॉम ट्वेंटी नेशनलिटीज इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ता लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हाट सेक्रेट डिड सॉफी शेयर विथ हर ब्रदर ने अपने भाई से कौन सा सीक्रेट कौन सा राइस से साझा किया शेयर किया ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सी मेट डेनिक फेमस फुटबॉलर ठीक है आप लोग कमेंट बताइएगा ये जो डेनिक ऐसी है वो किस टीम से फुटबॉल खेलते थे यानी किस देश से थे ये आप लोग कमेंट बताइएगा सोफी किस टाइप की लड़की थी सोफी का जो क्लासमेट है उसका नाम क्या है ये फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चलिए आगे बढ़ेगा क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेन डज सोफी एंड हर फैमिली वेन डज सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच ये जो सोफी है और उनका जो परिवार है फुटबॉल मैच देखने कब जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया

और नीचे के क्वेश्चन का आंसर दीजिए चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इस को। सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव नाउ आई विल काउंट अप मतलब होता शायद क्या होता है शायद मतलब होता है पृथ्वी ठीक है तो ये हम लोग टीच यानी शिक्षा देती है ठीक है शायद पृथ्वी हमें शिक्षा देती है सिखाती है सिखा सकती है क्योंकि जब हर चीज प्राय मृत प्राय हो जाती है एकदम डेड हो जाती है ना तब भी जिंदा रह सकती है कौन पृथ्वी ये चीज सिखाता है सब कुछ खत्म होने के बाद भी जिंदा होना किससे सीखा जाता है ये लेसन हम लोग को सीखने मिलता है द अर्थ से पृथ्वी से ये कवि बताते हैं ठीक है थीके? उसके बाद बोलते हैं नाउ आई विल काउंट अप मैं बारह तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट और आप लोग सब चुप रहेंगे एंड आई विल गो और मैं चला जाऊंगा ठीक है चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये जो एक्सट्रैक्ट है ये जो पंक्ति है ये किस पॉइंट से ली गई है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप सही पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो हो जाएगा जाएगा कीपिंग कीपिंग क्वाइट क्वाइट क्या चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बताइएगा कीपिंग क्वाइट के का नाम क्या है कवि का नाम क्या है आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु टीचेस अस देयर इज ऑलवेज लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी लाइफ होती है ये किसने सिखाया है आप सही पता है ये पृथ्वी से हमें सीख मिलती है द अर्थ से याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन सब कुछ प्राय मृत प्रतीत होता है तो कौन जीवित रहता है तो आप सही पता है पृथ्वी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा द अर्थ इज द करेक्ट आंसर ठीक है ये मेरा प्रोफाइल पिक दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम में आप

किस प्रतीक का प्रयोग किया गया है यहां पर पूछा गया है ठीक है तो आप सही पता है स्प्रिंटिंग का ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है आप सही पता है माई मदर एट 66 सिक्स -फड़ कमेंट बताइएगा माय मदर एट 66 जो है उसके पॉइंट का नाम क्या है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 21 वन थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम डेस ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है वो लिया गया है किससे लिया गया है आप सही पता है इंडी म्यून से लिया गया है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पॉइंट का नाम क्या है ये इंडी मियोन के भी वही है ठीक है आप लोग कमेंट बताइएगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी के का नाम यानी कवि का नाम क्या है आप लोग फटाफट -फ़ड़ बताइए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वाट इज ए रोड साइड स्टैंड इन द पॉय ए रोड साइड स्टैंड जो ए रोड साइड स्टैंड जो पॉइंट है दोस्तों उसमें रोड साइड स्टैंड है क्या आप सही पता है मैंने बताया था एक पुराना सा घर के बाहर में एक सेड लगा के जो बनाया गया था दुकान उसे कहते हैं रोड साइड स्टैंड वहां पर दो चीजें बेची जाती थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो दो चीजें कौन सी चीजें थी ठीक है ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सेड आउटसाइड ए रोड साइड ओल्ड हाउस ठीक है सड़क किनारे एक पुराने घर के बाहर एक सेट लगाकर एक दुकान बनाया गया था जिसे ए रोड साइड स्टैंड कहते हैं यहां पर क्या क्या चीजें बेची जाती थी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ए रोड साइड स्टैंड के पॉइंट का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या पूछा गया सेंट दैट फर्स्ट फर्स्ट डे डे एंड ये जो है हुए किसने हु किसने? मतलब किसने कौन भेजा है ठीक है और वैन मतलब

एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस ठीक है यानी टाइगर्स कार्कस मतलब क्या होता है बाघ के सौ के ऊपर बाघ के लाश के ऊपर में बंदूक लेकर खड़े होकर कौन फोटोग्राफ कौन पिक लेना चाहता था यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप सही पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादूराई दादूराई इज द करेक्ट आंसर एक ब्रिटिश अफसर थे ठीक है इनको मना कर दिया गया था बाघ का शिकार करने बाद में इनकी वाइफ को जो बाघ राजा है टाइगर किंग जो है वो 50 डायमंड रिंग्स भेजता है ठीक है डिफरेंट डिजाइन का उसके बाद सारा मैटर सॉर्ट आउट होता है तो ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग से पूछा गया है आप लोग फटाफट -फड़ कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा द टाइगर किंग के लेखक कौन है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोग्राम द ऑथर तिसानी दोषी ए पार्ट ऑफ ये जो ऑथर है लेखिका है तिसानी दोषी वो किस प्रोग्राम की पार्ट थी यानी भाग ली थी हिस्सा थी तो आप सही पता है उस प्रोग्राम का नाम एकदम याद करके जाना है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम ठीक है आप लोग फटाफट -फड़ कमेंट बॉक्स बताइएगा ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम को कौन लीड कर रहा था कौन हीट कर रहा था ठीक है इसको लीड कौन कर रहा था उनका नाम बताइएगा और ये प्रोग्राम कितने सालों का था ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्क्टिका ये जो लेखिका है उन्होंने अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए कौन कौन से परिवहन का इस्तेमाल किया था उपयोग किया था यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने बताया था दोस्तों तीसरी दोस्ती वहां तक पहुंचने के लिए 100 घंटे का ट्रेवल की थी यात्रा की थी और तीनों चीजों का इस्तेमाल की थी पहले घर से कार ठीक है याद है ना एरोप्लेन और शिप तीनों चीजों का इस्तेमाल की थी यानी ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अच्छा उस का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो जहाज है नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक रशियन रिसर्च शिप था शिप का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चलिए ट्वेंटी सेवन इन द एनिमी द एनिमी स्टोरी में ये हार्ली कौन है ये आपसे कमेंट

डेरी फ्रॉम गोइंग टू मीट मिस्टर लैम डेयरी को मिस्टर लैम से मिलने जाने से कौन रोकती है भाई तो आप सही पता है उनकी मम्मी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है ठीक है आप सही पता है डेयरी का जो फेस है वो एसिड गिरने की वजह से जल गया है मिस्टर लैम का जो एक टांग है वो युद्ध में उड़ गया है ठीक है इसके वजह से इसका एक टीन का ले गया ठीक है

स्पर्शता के बारे में अनटचेबिलिटी के बारे में छुआछूत के बारे में अनुभव के बारे में बात की थी कब कब उनको पता चला था ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है क्लास थ्री जो है क्लास थर्ड इज द करेक्ट आंसर चलिए बामा के भाई का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बामा के भाई का नाम एल्डर ब्रदर का नाम क्या था आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी जीतकाला सा जीत काला सा जो है वो कौन थे ये आपसे कमेंट बॉक्स में नहीं पूछेंगे आप लोग को बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नेटिव अमेरिकन इज द करेक्ट आंसर एक मूल रूप से अमेरिकी थे कौन जीत काला साह ठीक है ये था दोस्तों आज का टॉप थर्टी एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कितने आंसर्स आप लोग जानते थे ठीक है यानी थर्टी में से अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है तो कितना आप लोग सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्या क्या चाहते हैं आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा बस इस वीडियो को भी जोरदार तरीके से, से शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के बीच और जबरदस्त तरीके से लाइक कीजिए पांच प्लस लाइक कर दीजिए ठीक है तो सेट नाइन भी आप लोग के बीच जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम